हेलो गाइस, आप लोग का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जर्नी जर्नी नहीं, आज हम लोग कर रहे हैं शंटिंग ड्यूटी दिल्ली सराय रोहिलिया जंक्शन पर। दिल्ली सराय रोहिलिया जंक्शन है कि दिल्ली सराय रोहिलिया सिर्फ, बताइए मुझे कमेंट्स में, एक बार कंफर्म कर दीजिए, बताइए कमेंट्स में। और आज जो ट्रेन है जिसको हम कि हम लोग करने वाले हैं शंट, वो है 12986 दिल्ली सराय रोहिलिया जयपुर AC डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसकी हम लोग करेंगे शंट दिल्ली सराय रोहिलिया पर। और जो लोकोमोटिव है आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, WDM 3D लोकोमोटिव है हावड़ा शेड का। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना शंटिंग ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग गेट विंडो और ट्रैक मोटर को ऑन कर चुके हैं हम लोग, और ये आप लोगों को साउंड भी आ रहा होगा डीजल लोकोमोटिव सबका, जैसे ब्रेक रिलीज करते हैं और शॉर्ट हॉर्न देके डिपार्ट करते हैं यहाँ से। अभी लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने पहले रिवर्सल पॉइंट तक, और आज आप लोगों को बहुत अच्छा डीजल एक्शन देखने मिलने वाला है। तो वीडियो में मज़ा नहीं है, आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो आज का वीडियो तो आप लोगों को पूरा देखना ही पड़ेगा। और हम लोग लेफ्ट साइड से कोई गुड्स ट्रेन क्रॉस कर रही है, हम लोग को ट्विन वैक्स 7 लोकोमोटिव लगा हुआ था, एक कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन। हम लोग अपने फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट तक पहुँच चुके हैं, जल्दी से ब्रेक सप्लाई कर देते हैं। चलिए हम लोग रुक चुके हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑपोजिट साइड में, मतलब कि यार्ड की ओर बढ़ते हैं। आगे रेड सिग्नल है, परमिशन मांगना पड़ेगा। और आगे जाने का सिग्नल हम लोग को मिल चुका है, आप लोग ट्रैक मॉनिटर भी देख सकते हैं। ज़्यादा स्पीड लेंगे नहीं, अभी ज़्यादा ही स्पीड हो गया था हम लोग का। अभी कपल भी करना है हम लोग को, तो बस 20-25 किलोमीटर पर आगे स्पीड रखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम लोग का एक पैरेलल रन हो रहा है छोटा सा कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन के साथ। उम्मीद है कि आज आप लोग को बहुत सारे पैरेलल रन हम दिखा पाएंगे। चलिए देखते हैं कितना पैरेलल रन आज हम लोग को देखने मिलेगा, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। और ये अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक सप्लाई कर देते हैं, बस कपल करने ही वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का डबल डेकर का रैक खड़ा आगे, और यार्ड में और दो ट्रेन के रैक्स खड़े हैं। लेफ्ट में एक ICF ट्रेन है और राइट में कोई LHB ट्रेन है, शायद कोई फुल AC ट्रेन है, वो भी आगे जाके एक बार लोग देख लेंगे। अभी आप लोग कपलिंग एंजॉय कीजिए, धीरे धीरे से जाके हम लोग कपल करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग कपलिंग हो चुका है, और आप लोग कितना स्टार्स दीजिएगा आउट ऑफ 5 कपलिंग का कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यहाँ से शॉर्ट हॉर्न देखें, चलते हैं पीछे की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में लोगों को स्टंट करना है असल में इसको, तो अभी पीछे तरफ लेके जाएंगे उसका, फिर आगे तरफ खींच के लाएंगे हम लोग उसको। 100% पे करते हैं, थोड़ा व्हील स्लिप हो रहा है यहाँ पे, बस उसको व्हील स्लिप एक बार रुक गया, उसको 100% कर देंगे हम लोग। चलिए व्हील स्लिप अब नहीं हो रहा हम लोग का, 100% पे हम कर चुके हैं। हम आ जाते थोड़ा इस तरफ, आगे स्मोक की वजह से थोड़ा लैग कर रहा था गेम। हम लोग के राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, वही एक AC एक्सप्रेस खड़ी थी, इसका कि मिक्स डिलीवरी वाला कोचिज लगा हुआ था, हम सफर दुरंत तो हमने AC। और लेफ्ट साइड में एक ICF ट्रेन खड़ी थी, आप लोग पहले ही देख लिए थे। हम लोग लेफ्ट साइड में एक हम सफर एक्सप्रेस खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, प्लेटफॉर्म 4 है वो। चलिए आगे जाके पता चली जाएगा, हम लोग प्लेटफॉर्म 3 पे लेके जाना है ट्रेन को। हम लोग राइट साइड में लोग देखिए, फिर से हम लोग का पैरेलल रन होने वाला है कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन के साथ। और यहाँ पे एक वैप 7 लोकोमोटिव, एक WDP 4B और एक WDM 3A लोकोमोटिव खड़ी है। अच्छा, WDP 4B लोकोमोटिव हम लोग ट्रेन साथ आगे कपल होगी। यहाँ पे 40 का स्पीड लिमिट होना चाहिए था, 100 का दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा। ये रूट भी मेरा खुद का बनाया हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है रूट, इसलिए आप लोगों को बहुत सारा एरर्स या मिस्टेक्स दिख सकता है। जो भी लेफ्ट साइड से एक हम लोग को ट्रेन क्रॉस करी थी, WTP 4 लोग भी लगा हुआ है, एक कोई LHB ट्रेन है।
अराइव करी दिल्ली सराय रोहिली ऐप पे। और जैसा कि हम बोल रहे थे, ये रूट अभी मेरा खुद का बनाया हुआ है और पूरा कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग बहुत सारे एरर्स और मिस्टेक्स दिख सकते हो। आप लोगों को एरर या मिस्टेक आप लोगों को दिखता तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और इस रूट को हम गुड़गांव तक बना रहे थे दिल्ली सराय रोहिलिया से, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया गुड़गांव तक, तो दिल्ली सराय रोहिलिया का सेक्शन बना लिए थे। तो आप लोग सोचे शंटिंग दिखा देते हैं इस ट्रेन का। अगर आप लोगों को जर्नी देखना है इसका तो कमेंट करके बताइए, तो इसका जर्नी बनाएंगे। जब रूट कंप्लीट हो जाए तब आप लोगों को जर्नी दिखा देंगे हम इसका। तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइए कि आप लोगों को इसका जर्नी देखना है कि नहीं, दिल्ली सराय रोहिलिया से गुड़गांव तक। और हम लोग लेफ्ट साइड से कोई एल्को लोकोमोटिव साथ कोई ट्रेन आ रही है, ट्विन WDG 3A लोकोमोटिव लगा हुआ है और BCNA वाली गुड्स ट्रेन है। और राइट साइड में लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा सा पैलर रन हम लोग चल ही रहा है अभी भी कंटेनर वाली गुड्स ट्रेन के साथ। और ये आप लोग देख सकते हैं लोग अपने सेकेंड रिवर्सल पॉइंट तक पहुँचने ही वाले हैं। और ये पैलर रन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्लो पैलर रन आप लोगों को हम पहले बोलते कि छोटा छोटा पैलर रन होगा, लेकिन यहाँ तो एक बहुत लंबा सा पैलर रन आप लोगों को देखने मिल गया, इसलिए एक लाइक तो बनता है। और ये हम लोग आगे की तरफ आ गए, ये और पीछे जाना होगा हम लोग को, जो आगे सिग्नल दिख रहा है आप लोग को वहाँ तक हम लोग को लेके जाना है अपने लोकोमोटिव को। ब्रेक ज़्यादा ही ज़ोर से अप्लाई हो गया था, रिलीज़ कर देते हैं उसका, पीछे चलते हैं हम लोग। और इसका इस लोगो का स्मोकिंग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। और पीछे से एक एल्को लोकोमोटिव का स्मोकिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग हुए थे पूरा डीजल एक्शन देखने मिलेगा आज। और यहाँ से लोग देख सकते हैं एक राइट की ओर चली गई ट्रैक्स और लेफ्ट की ओर भी ट्रैक्स जा रही है। लेफ्ट की ओर आप लोग देख सकते हैं गुड़गांव की ओर जा रही है, जिसको कि अभी कंप्लीट नहीं है, जो कि ये बनाएंगे अभी हम। और राइट की जो ट्रैक है वो जा रही है रोहतक सोनीपत की ओर, बस थोड़ा सा पीछे जाके हम लोग रोक देंगे अपने ट्रेन को, बस यहीं से ब्रेक सप्लाई कर देते हैं। और ये क्या कंटेनर गुड्स ट्रेन गायब हो गई, कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है इस गेम के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं हॉर्न बजा के। आप लोग देख सकते हैं हम लोग को 7:10 में शंट कर देना लोग अपने ट्रेन को। अभी शायद 7:06 हो रहे हैं, तो अभी 4 मिनट का टाइम है, आराम से चलते हैं आगे हम लोग। व्हील स्लिप बहुत हो रहा है, वापस से ट्रॉल को 100% पे कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग नोटिस किए होंगे कि अब हम लोग का लोकोमोटिव से स्मोक भी नहीं निकल रहा, ये सब भी कॉमन है इस गेम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का यहाँ एक और पैलर रन होने वाला है एक गुड्स ट्रेन के साथ, BCNA वाली गुड्स ट्रेन के साथ। जैसा कि आप लोग हम स्टार्टिंग में बोले थे आज लोगों को बहुत सारा पैलर रन हम दिखाएंगे, तो ये कौन सा पैलर रन है मैं कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आई थिंक ये दूसरा या तीसरा पैलर रन आप लोगों को दिखा रहे हैं आज। और यहाँ WDM 3D लोकोमोटिव अपना एक्सलेशन दिखाते हुए बहुत जल्दी हम लोग 40 का स्पीड पकड़ लिए, स्पीड कम भी करना पड़ेगा, ज़्यादा ही स्पीड पकड़ लिया हमें। और ये वाली ट्रेन यहाँ रुक चुकी है, हम लोग उसके यहाँ ओवरटेक कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग भी सब ब्रेक सप्लाई कर दिए, हम लोग अभी ट्रैक चेंज होने वाला था आगे। ट्रैक 3 पे लोग शंट करने वाले हैं, जो कि आप लोग हम पहले ही बोले थे। और BCNA वाली गुड्स को क्लियरेंस मिल चुका है आगे जाने का, तो ये हम लोग फिर से पैलर रन शुरू हो चुका है यहाँ पे। हम लोग दोनों साथ में अराइव करेंगे, अराइव नहीं आई थिंक वो ट्रेन तो यहाँ स्किप करेगी, हम लोग अराइव कर रहे हैं। और ये भी हम लोग अराउंड 25 किलोमीटर पर आगे स्पीड में पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ से देखिए, और ये हम शॉर्ट एज ए शॉर्ट वीडियो डाले थे अपने चैनल पे एक दिन पहले, और अब से ट्राई करेंगे कि आप लोग को हम एक दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाल दें। मतलब कि अगर जैसे कि इस ट्रेन का वीडियो आ जाने वाला था, तो एक दिन पहले हम इसका वीडियो डाल दिए, शॉर्ट वीडियो डाल दिए। वैसे हम ट्राई करेंगे सब ट्रेन करने का, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को देखने मिलेगा शॉर्ट वीडियो भी, और नहीं हो पाए तो आप लोग फिर सीधा फुल जर्नी ही देखिएगा एक बार में। और ये वाला सीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एक तरफ BCNA गुड्स ट्रेन और एक तरफ डबल डेकर एक्सप्रेस, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा सबसे। और अभी हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे,
उसने थोड़ा सा और आगे जाते कि पीछे से एक लोगों भी तो आगे कपल करेगी, तो उतना जगह होना चाहिए लोगों आगे कपल कर पाए हम लोग को। और पीछे आप लोग देख सकते हैं स्मोक, आई थिंक वो लोगों निकल चुकी है हम लोग के पास आने के लिए, मतलब कपल करने के लिए हम लोग पास आके। हम सफर एक्सप्रेस खड़ी थी, उसका WDP 4D लोगों को लगा हुआ था, प्लेटफॉर्म 4 पे खड़ी हो हम सफर एक्सप्रेस। थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा आगे चल के हम लोग रोक देंगे बस। और BCM क्रिश्चियन भी यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है, बस हम यहीं पे रोक देंगे। वैसे एक ट्रेन क्रॉस कर रही वैप 4 लोगों ने लगा, चलिए एक बार आगे जाके मैं देख लेते हैं पास चल के। गाजियाबाद का वैप 4 लोकोमोटिव है और पूरा 29 फरवरी में ही ट्रेन है। अरे विवेकानंद पूरी स्टेशन जो है ये क्या दिल्ली सराय रोहिया की पार्ट है या एक अलग स्टेशन है, ये भी उनको डाउट है। आप लोग कमेंट, अगर आप लोगों को सही से पता है इसके बारे में तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रैक्शन अच्छे से आ रहे होंगे, कैसा लग रहा है ट्रैक्शन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आप लोग देख सकते हैं पूरा ट्रेन में उत्कृष्ट डिलीवरी के आईसीएफ कोच लगे हुए थे, लेकिन एक पैंट्री का ब्लू कलर का आईसीएफ कोच का था। ट्रेन में पूरा पार हो जाए तो हम उधर चल के देखें, उधर से वो ट्रेन अराइव कर रही है, हम लोग का लोकोमोटिव भी आने ही वाला है किसी देर में। और ये आप लोग देख सकते हैं शायद पहले रन कुछ देर पहले हो ही रहा होगा हम लोग के लोकोमोटिव और इस ट्रेन के साथ। और ट्रेन में आप लोग देख सकते हैं अजनी सेट का वैप 7 लोगों में लगा हुआ है, भी दुरंतो लिवरी का, तब इसके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक जाके जल्दी से कर दीजिए वीडियो को। और ऐसा कोई फुल एसी ट्रेन है जिसमें कि मिक्स लिवरी कोचेस लगे हुए हैं, और हम लोग का लोकोमोटिव का भी क्लियरेंस मिल चुका है, वो वहाँ वेटिंग पे खड़ी थी। तो फिर से दोनों ट्रेन के बीच में पैरेलल रन आप लोगों को देखने मिल रहा है। और ये लोकोमोटिव को भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली आ रही है। और ट्रेन का अभी यहाँ शायद अराइवल हो रहा है, ट्रेन रुकने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है वाला सीन, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा। और हम लोग का लोकोमोटिव बस कुछ ही देर में कपल करने वाला है हम लोग के ट्रेन के साथ। तब तक आप लोग इस एक्सप्रेस का अराइवल देखिए जो हम लोग के लेफ्ट साइड में अराइव करी प्लेटफॉर्म 1 पर। और ये हम लोग लोकोमोटिव आ चुका है, बस अब कपल होने ही वाला है हम लोग का लोकोमोटिव, मतलब कि हम लोग ट्रेन के साथ। ये लोकोमोटिव को तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, देख सकते हैं WTP 4B लोकोमोटिव लकाबाज सेट का कपल हो चुका है हम लोग के ट्रेन के साथ। और उधर वो इस एक्सप्रेस भी अराइव कर चुकी है, हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग को 30 सेकेंड में यहाँ से डिपार्ट करना है, मतलब कि हम लोग का जो सेंटर लोकोमोटिव था उसको हम लोग को डिकपल करके वापस वहीं ले आके छोड़ना है जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो वो आ गए अपने लोकोमोटिव के पास, जैसे डिकपल कर देते हैं हम लोग। डिकपल भी हो चुका है, ब्रेक रिलीज करना शुरू कर देते हैं। सिग्नल में का ऑलरेडी क्लियर है, तो बस हॉर्न बजा के डिपार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर देख सकते हैं AC एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो चुका है, मतलब कि एक और पहले रन आप लोगों को देखने मिलने वाला है फिर से। तो आज तो आप लोगों को हम बहुत सारे पहले रन दिखा चुके हैं, तो उसके लिए भी एक लाइक बनता है। वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए जाके। पहले आगे हैं कैब व्यू में, लोकोमोटिव के अंदर में। यहाँ से व्यू अच्छा है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन बस ठीक ठाक है व्यू। आप लोगों को यहीं से दिखाते हैं थोड़ा देर हम पहले रन AC एक्सप्रेस के साथ। अभी चलिए आप लोगों को लोकोमोटिव का एकदम फ्रंट व्यू पे लेके चलते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा सीन देखने मिलने वाला है आप लोग को। ऐसा लग रहा है वाला सीन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और एक और काला जादू आप लोग देख लीजिए, हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रेन अचानक से आ गई, जो भी ट्विन वैक
9 लोकोमोटिव के साथ एक टैंकर वाली गुड्स ट्रेन जो कि हम लोग क्रॉस कर रही है यहाँ पे। और हम लोग अपने एक थर्ड रिवर्सल पॉइंट आई थी, हाँ थर्ड रिवर्सल पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। यहीं पर रोक देते हैं अपने ट्रेन को हम लोग यहाँ पर, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर जहाँ से हम स्टार्ट की थी वहीं पर जाके हम लोग को लोकोमोटिव को छोड़ना है। और ये फिर एक पैलर आप लोगों को देखने मिलने वाला है, तो आज तो आप लोगों को शायद 4 से 5 पैलर रन दिखा चुके हैं, तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ वीडियो शेयर भी कीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे अच्छे हम आप लोगों को एक्टिविटीज़ बना बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को लगभग सब कुछ दिखाएं, मतलब कि शंटिंग भी दिखाएं, लोगो कपलिंग, लोको डी कपलिंग, पैलर रन्स और काला जादू भी देखें आप आज। तो वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया आप लोग ने तो जाके जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अगर आप लोग कोई मिस्टेक या एरर दिखा है इस रूट में, इतना छोटा सेक्शन में अगर आप लोग कुछ दिखा है तो भी हमको ज़रूर से बताएं कमेंट्स में, जिससे कि हम ठीक कर पाएँ और आगे का रूट कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद अगर आप लोग को जर्नी देखना होगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताएगा, वो भी आप लोग को हम दिखा देंगे। और बस हम अपने डेस्टिनेशन मतलब कि वापस जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर पहुँच चुके हैं, हमने ट्रेन को रोक भी चुके हैं हम लोग यहाँ पर। तो बस वीडियो यहीं तक था, ये था आज का शंटिंग ड्यूटी, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखते रहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय।